आपको अपने इस चैनल के ऊपर एक जो ऊंची वाली पोनीटेल होती है, जो बहुत ऊंची, लाइक रवीना टंडन को आपने देखा होगा ऊंची, यहाँ पर एक पोनीटेल बनाती थी। तो गर्ल्स, मैं आपको बताती हूँ कि हम ऊंची पोनीटेल को किस तरीके से अपने हेयर्स के ऊपर बना सकते हैं। तो देखिए गर्ल्स, सबसे पहले हम अपने हेयर्स को अच्छी तरह से कॉम कर लेंगे, ताकि वो बिल्कुल भी उलझे ना और हमें चुटिया बनाने में बहुत ही आसानी रहे। तो गर्ल्स देखिए, सबसे पहले हम अपने हेयर्स को यहाँ से इस तरीके से बहाएंगे, अच्छे से ऐसे कॉम वगैरह करेंगे। सारे हेयर्स को हम अपने हाथ के अंदर में पकड़ेंगे इस तरीके से। तो गर्ल्स देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर पोनीटेल को बनाते हैं तो वो देखिए बहुत ही नीचे बनेगी, जैसे कि आप देख पा रही होंगी। इसके अंदर गर्ल्स देखिए, ये बिल्कुल हमारे यहाँ से चिपक के बनेगी। हमें गर्ल्स इस तरीके की पोनीटेल नहीं, अगर गर्ल्स हम ऊंची पोनीटेल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने हेयर्स को यहाँ से नीचे से, हमें अपने हेयर्स को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आना होगा। हम जितनी भी ऊंची चुटिया बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से हमें अपने हेयर्स को उतनी ही ऊपर उनको कॉम करना होगा, ताकि हमारी ऊंची से ऊंची चुटिया बन सके। तो गर्ल्स देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने इन हेयर्स को काफ़ी ऊंचा उठा करके अपने हाथ में पकड़ लिया है। देखिए गर्ल्स, इस तरीके से हम अपने हेयर्स को पकड़ लेंगे ऊपर तक। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि ये वाली चुटिया कितनी ऊपर बनी है। अब गर्ल्स, हम कोई इस तरीके का रबर बैंड या फिर वो जो मोटे वाले रबर बैंड आते हैं उनको यूज़ करके अपने हेयर्स को इस तरीके से टक कर लेंगे। गर्ल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए गर्ल्स, कुछ इस तरीके से हम अपने हेयर्स को जो है इस रबड़ बैंड के हेल्प से सारे कवर कर लेंगे। तो देखिए गर्ल्स, कुछ इस तरीके से, आई होप गर्ल्स आप अच्छे से देख पा रही होंगे। अब आप देखेंगे तो देखिए, ये जो एक चुटिया बनी है ये कितनी ऊंची चुटिया बनी हुई है। देखिए ये बिल्कुल भी नीची नहीं है, और गर्ल्स ये तो डमी पे इतनी अच्छी लग रही है। अगर आप इसी चुटिया को एक नॉर्मल हेयर डमी पे बनाएंगे, एक अपने नॉर्मल हेयर्स के ऊपर बनाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बनेगी। अब गर्ल्स, जैसे कि आप ये देख रही हैं, आप इस तरीके से यहाँ से थोड़े से हेयर्स ले करके इसको, रबड़ बैंड को इस तरीके से हाइड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इस रबड़ बैंड को ऐसे हाइड कर दिया है, और एक चिमटी की हेल्प से या बॉब पिन वगैरह की हेल्प से इसको हम यहाँ पर ही रोक देंगे। तो देखिए गर्ल्स, अब आप देख ही पा रहे होंगे, ये चुटिया कुछ इस तरीके से इतनी ऊंची नज़र आ रही है। देखिए, मेरे को पर्सनली गर्ल्स इस तरीके की चुटियाँ अच्छी लगती हैं जो बहुत ही ऊंची होती हैं। तो आई होप गर्ल्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल पर मेरी बाकी की वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना। तो गर्ल्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गर्ल्स।